हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि आज संडे है और संडे को आपको आपका नेवी एमआर का फुल प्रैक्टिस सेट जरूर मिलेगा। तो फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करने वाले हैं हम लोग। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका गणित है, विज्ञान है और सामान्य अध्ययन है। जिस प्रकार से आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का एग्जाम होता है 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 25 मार्क्स का साइंस और मैथमेटिक्स, तो दोनों सेक्शन हैं और उसी प्रकार से समझ लेना कि एग्ज़ाम की तरह है और बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह से लेना और सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से करना और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, जो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके एग्ज़ाम में, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना था और आप कहां से हो। और कोशिश करना कि 50 में से 25 तो एटलीस्ट करो ही, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो और काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हो तो। साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप लोग का जो भी स्कोर हो आप ऑनेस्टली और सच सच कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, शर्माना मत। अभी मेरा मूड ठीक नहीं था लेकिन फिर भी अगर मैंने आप लोगों से वादा किया तो वीडियो तो देनी ही है, तो वीडियो को शुरू करेंगे। एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेकेंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है जीके स्क्वाड, तो लाइव तैयारी के लिए और लाइव क्लासेस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और बाकी प्रैक्टिस सेट्स का भी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से जाकर के बाकी प्रैक्टिस सेट्स को, जो फुल प्रैक्टिस सेट्स हैं उन्हें भी आप देख सकते हो और हर एक संडे को आपको ये फुल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो टाइम स्लॉट है मैंने बोला है लाइव क्लासेस के लिए, तो एक मॉर्निंग का और एक शाम का या फिर इवनिंग का आप लोग बताना ज़रूर और सजेस्ट करना मुझे। बैक टू बैक मत करना क्योंकि बैक टू बैक मैं दो लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगा साइंस और जीके की, तो ज़रूर कमेंट में सेक्शन में कमेंट करना। शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ IAEC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडियन एविएशन इंजीनियरिंग काउंसिल और नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म IAEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हाउ मेनी प्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए बेसबॉल टीम, बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, 5, 6 और 9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 9। बेसबॉल खेल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, जिब्राल्टर किनको जोड़ता है, रेड सी, मेडिटेरियन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, तथा भूमध्य सागर और काला सागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है आपस में जिब्राल्टर जो है, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ देता है। नेक्स्ट है, एग्रोनॉमी इज दी प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, प्लांट और एनिमल, क्रॉप प्लांट्स, एग्रीकल्चर, फ्रूट्स प्लांट्स ओनली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है, पौधों को और पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, शाकनाशी और कीटनाशी, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, सेवेज एंड गार्बेज, कूड़ा और कचरा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, औद्योगिक बहिश्राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेवेज एंड गार्बेज, कूड़ा और कचरा जो है विश्व में होने वाले पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेयर वाज पाब्लो पिकासो फ्रॉम, पाब्लो पिकासो कहां के थे, स्पेन, इटली, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्पेन, पेब्लो पिकासो वाज फ्रॉम स्पेन, ये स्पेन के थे। नेक्स्ट है सेवन नंबर, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 8th 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था,
1980 से 1985, 1997 से 2002, 1992 से 1997 और 2002 से 2007। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1992 से 1997 भारत सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। द पीरियड ऑफ द एट्थ फाइव ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फ्रॉम 1992 to 1996। भारतनाट्यम इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट? भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। भारतनाट्यम इज फोक डांस ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली और जापान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जापान में 2020 का ओलंपिक खेल होगा, यानी कि 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन जापान। नेक्स्ट है हु वाज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, बी एस नायपॉल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल इंडिया विंस फ्रीडम, इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट है गीत सेठी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डिसिप्लिन्स? गीत सेठी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? गोल्फ, बिलियर्ड्स, हॉकी और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बिलियर्ड्स। गीत सेठी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। गीत सेठी इज रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है? खड़गपुर, मुंबई, वीटी, हावड़ा और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कहीं पे भी नहीं है। जो सबसे लंबा है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। कौन सा? गोरखपुर रेलवे स्टेशन इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेस? भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर और उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बोला भी जाता है। कभी कभी अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें जो कमेंटेटर्स होते हैं वो बोलते हैं, आपने जरूर सुना होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन? छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? लॉयड ग्रॉफ कॉपेमन, बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी, लियोनार्डो द विंसी और फिलिप डी हेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलिप डी हेल जो है इन्होंने ही इन्वेंट किया सेलिंग फैन को, छत के पंखे का आविष्कार इन्होंने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? तो यहाँ पे मानव अधिकार दिवस के बारे में पूछा, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 10 दिसंबर। अभी बीते 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस मनाया गया, ठीक है। द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट है मिस्टर रामनाथ कोविंद इज दी विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 10th, 11th, 12th और 14th। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 14th। रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बनेंगे वो 15वें होंगे। नेक्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय? राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने ये परियोजना शुरू की राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए। क्या नाम क्या दिया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट है हु बिल्ड्स हवा महल? हवा महल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां, अकबर, महाराजा सवाई प्रताप सिंह और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह बिल्ट हवा महल, हवा महल का निर्माण इन्होंने ही कराया था।
नेक्स्ट है 21 नंबर, मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, निम्न में से किस शहर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर स्थित है, रामेश्वरम, गुवाहाटी, मदुराई और महाबलीपुरम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुराई। मदुराई में स्थित है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेशनल फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है, जापान, नॉर्थ कोरिया, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल। नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है इन चारों देशों में वो रेक्टेंगुलर नहीं है, यानी कि चतुर्भुज के आकार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ, सिलवासा किसकी राजधानी है, असम, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली और तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी दादर एंड नागर हवेली। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली, सिलवासा राजधानी है दादर और नागर हवेली की। 24 नंबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ मिनिस्टर ऑफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही होगा दोनों को, मतलब कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं और प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, विद विच गेम इज दलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, टेनिस। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन, मीटर सेकंड, वाट और न्यूटन मीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 27 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज नोन एज, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, कॉन्डेंसेशन, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को उधातीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉजेज एटमोस्फेरिक पोल्यूशन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का धनी स्रोत यानी बहुत ही बड़ा स्रोत है लेकिन वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल यानी कोयला, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा और वुड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉजेज एटमोस्फेरिक पोल्यूशन, ये कोई भी पोल्यूशन नहीं करता। अगर सोलर एनर्जी की बात करें यानी जो सूर्य ऊर्जा होती है, जो लाइट होता है, सूर्य के प्रकाश होता है, वो कभी भी प्रदूषण फैला सकता है क्या, नहीं ना, तो वही यहां पे बताया गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है, किनेटिक एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि एक्सेलरेशन। त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है 30 नंबर, ए फूड चेन स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, आहार चक्र की शुरुआत किससे होती है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी ए फूड चेन स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस, और यहां पे आहार चक्र की शुरुआत होती है फोटोसिंथेसिस से। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू दी ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ दी फॉलोविंग, ओजोन परत की कमी किस ऑक्साइड के कारण होती है, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और नॉन ऑफ दी एबॉव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन। कार्बन के वजह से जो है ओजोन परत की कमी होती है, ठीक है, इसी कार्बन के वजह से। नेक्स्ट है 32 नंबर, हु डिस्कवर्ड नोबल गैस, नोबल गैस की खोज किसने की, केविन, रदरफोर्ड, क्यूरी और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ दीज। इनमें से किसी ने नोबल गैस की खोज नहीं की थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसने नोबल गैस की खोज की थी, हु डिस्कवर्ड दी नोबल गैस। नेक्स्ट है 33 नंबर, दी ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, पत्तियों का हरा रंग किस कारण है, विटामिन, हीमोग्लोबिन, आयरन और नॉन ऑफ दीज।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ दीज। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग जो है हरा होता है, इनमें से किसी के वजह से नहीं, क्लोरोफिल की वजह से। नेक्स्ट है 34 नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड किनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? MgH 1/2 mv² / 1/2 mv² / mv/2। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 1/2 mv² इज द फॉर्मूला टू फाइंड किनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है 35, सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट। बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? मेओपिया, एस्टिगमेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया, कलर ब्लाइंडनेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एस्टिगमेटिज्म के लिए जो है सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया। न्यूमोकोकाई, क्रोमोजोम, एक्सीटोल और उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी एबोव। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि न्यूमोकोकाई उत्तरदायी है निमोनिया के लिए, यानी कारण है। नेक्स्ट है कार्बाइड क्या है? व्हाट इज कार्बाइड? पोटास, यूरिया, फास्फेट एंड कैल्शियम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरिया होता है कार्बाइड। कार्बाइड के बारे में आपने सुना होगा, फलों को जल्दी से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कार्बाइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमारिंड? फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड, पोलबोल्ट एसिड, टार्टरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। दो बार हो गया है, कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है ये इमली में होता है, टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टेमारिंड। नेक्स्ट है 39 नंबर, मधुमक्खियों के काटने से उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? व्हाई इज पेन कॉज्ड बाय बीज बाइट्स? फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, पोलबोल्ट एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि फॉर्मिक एसिड के कारण मधुमक्खियों के काटने से उत्पन्न दर्द होता है। दी पेन कॉज्ड बाई बीज बाइट इज फॉर्मिक एसिड, बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है। तो ये हमारा साइंस कंप्लीट हो गया, अब यहां से हमारा मैथमेटिक्स शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, कौन सी संख्या 90% से 40% कम है? विच नंबर इज 90% to 40% लेस? 36, 54, 50 एंड 60। देखिए गाइस, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, हमें इन क्वेश्चंस को समझना होता है, क्योंकि बस जो इसका लैंग्वेज समझ लेगा वो आसानी से बना लेगा इस क्वेश्चन को। जो 90 से 40% कम है, दैट मींस कि 90 जो है वो कितना है? 100%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि इससे जो 40% कम संख्या होगी वो कितनी होगी, दैट मींस कि हम निकाल लेंगे 90 का 60% या फिर 90 का 40% हम निकाल लेंगे और कर देंगे आसानी से इसको। देखिए हम 90 का क्या करते हैं, 60% निकाल लेते हैं। 90 का 60% अगर हम निकालते हैं इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 100 कर देंगे तो दो शून्य से ये दोनों कट गया, यानी 54। तो 90 का जो 60% हो जाएगा, यानी 40% कम है तो 60%, दैट मींस कि 60% है वो 90 का, तो 90 का 60% अगर हम निकालते हैं तो हमारा 54 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, यानी 54 इज द 60% ऑफ 90। अगर आप 90 का 60% बोलो या फिर 90 से 40% कम बोलो, दोनों ही बात जो है समान है, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। तो बस यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल 2464 मीटर है, यदि आप बाग को उसके किसी ब्यास पर चलकर पार करें तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? द एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 2464 मीटर। इफ यू ट्रेवर्स द गार्डन ऑन सम डायमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल यू हैव टू कवर? 56, 48, 28 और 24 मीटर। तो देखिए यहां पे एक ये पूरा हो गया, मान लो कि आपका फील्ड पूरा गोलाकार होगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है 2464 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हो आप, किसी भी डायमीटर से, ये चारों तो समान ही होगा, तो किसी भी डायमीटर से आप ऐसे आते हो, दैट मींस कि डायमीटर जो होता है वो आर का दोगुना होता है, ठीक है, यानी रेडियस का 2 times होता है डायमीटर, ये तो आप लोगों को पता है। दैट मींस कि हमें रेडियस निकालना है, रेडियस निकाल लेंगे तो उसका डायमीटर भी निकल जाएगा। तो क्या होता है, देखिए इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 2464, ठीक है, ये इतना है, तो क्या करेंगे हम, देखिए आपको तो पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 मीटर, इतना हो जाएगा ना, इजीली आप समझ लो, ध्यान से देखना, इतना हो गया हमारा। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से सिंपली हम 2464 मीटर, ठीक है, 2464 मीटर हो गया और हमारा 22/7 हो गया, यानी 7 इधर आ गया और बाई 22, तो गाइस हमारा यहां पे आर स्क्वायर हो गया, और अच्छे से लिख लेते हैं 2464 इंटू 7 बाई 22। अब यहां से 22 से कट करेंगे तो 112 बार में हमारा चला जाएगा, ठीक है, 112 में अगर हम गुणा करते हैं 7 से तो हमारा हो जाएगा 784, कितना हो जाएगा 784 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर यहां पे आर स्क्वायर को खत्म कर देते हैं और यहां पे कर देते हैं अंडर रूट ओवर 784। तो अगर आप अंडर रूट ओवर करोगे 784 को तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 28, यानी कि 28 मीटर, दैट मींस कि उसका जो आर हो गया, रेडियस हो गया उस त्रिभुज, सॉरी उस वृत्त का, यानी वृत्ताकार भाग का कितना हो गया 28, दैट मींस कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगुना होता है, यानी कि डायमीटर इज 2 times ऑफ रेडियस, या फिर रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अगर आर इज इक्वल टू 28, दैट मींस डी इज इक्वल टू 2R, दैट मींस 2 into 28, दैट मींस हमारा हो जाएगा 56, यानी कि 56 मीटर हो जाएगा इसका डायमीटर, ठीक है, आप किसी भी व्यास से चलकर आ रहे हो तो आपको 56 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 15 घटा दे तो संख्या 80 बच जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, इफ यू सब्स्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम ए नंबर देन 80% इज लेफ्ट, देन व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको देखिए इजीली कैसे बनाएंगे। किसी संख्या में से 15 घटा देते हैं तो वो संख्या 80% बच जाती है, तो हमें उस संख्या का 40% क्या होगा ये बताना है, समझिए यहां पे क्वेश्चन को, 80% बच जाती है अगर 15 घटा देते हैं, दैट मींस कि 15 इज इक्वल टू 20%, ठीक है, दैट मींस कि जो 80% बची है वो कितनी बची है, अगर 15 20% है, दैट मींस कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 15 में 5 से गुणा कर देंगे यानी 75, 75 इज इक्वल टू 100% हमारा हो जाएगा, इतना आप समझ पाए होंगे, आप करके देख सकते हैं, 75 इज इक्वल टू 100% हो जाएगा। अब अगर हमें उस संख्या का 40% क्या होगा ये निकालना होगा, तो हम इजीली निकाल लेंगे कि उस संख्या का 40% क्या है, अगर आप 75 का 40% निकालेंगे तो देखिए यहां पे कितना आ जाता है, यहां पे आप इजीली कर सकते हैं, एक बार क्लियर करके दिखा, तो गाइस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 75 का अगर हम निकाल लेते हैं 40%, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे और 2, और यहाँ पे ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, 20 से 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 15 टाइम्स में, और 15 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 30 आ जाएगा, दैट मींस कि उस संख्या का 40% हो जाएगा 30, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है, ए ट्रेन 140 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकंड, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज पर आर, तो ऑप्शन आपके सामने है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो देखिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 140 बटे हमारा 12 हो जाएगा, और कट करते हैं अगर इसको तो हमारा हो जाएगा 1 और उसके बाद 1 और पॉइंट आपका हो जाएगा 11.6 हो जाएगा, और इसको अगर एक सेकंड में वो 11.6 मीटर चलती है, दैट मींस कि वो, तो यहां पे हमें बताना है एक घंटे में, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में, तो 3600 में हम गुणा कर देंगे 11.6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना, मैं आंसर बता देता हूं आप लोगों को, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 42 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वो रेलगाड़ी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में अनुपात 2:3 है तथा उनका लॉस 54 हो तो उनका योगफल होगा, इफ टू नंबर्स हैव द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इफ 54 विल देयर सम बी 5, 15, 45 and 270, इसको इजीली निकालेंगे, 2x और 3x मानेंगे दोनों को, दैट मींस कि हम इसको 2x मान रहे हैं और 3x मान रहे हैं, और 54 है उसका एलसीएम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, x का मान हमारा निकल जाएगा यानी 9, x इज इक्वल टू 9, और यहां पे हमारा हो जाएगा
दो में और नौ से करेंगे तो 18 और रेशियो हो जाएगा 27, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 45, यानी कि 45 इसका योग हो जाएगा। अगर आप इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है 54, ठीक है, इनका एलसीएम 54 आ जाएगा, योग 45 होगा और रेशियो आप देख सकते हैं 2:3 का हो जाएगा, तो ऐसे ही होगा। तो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.22 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए, और यहाँ पे हमें 66 लाने के लिए किससे गुणा करना होगा, आपका इजीली आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अगर आप 3000 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 66, आप करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3a 7 14 हो तो a का मान है, देखिए यहाँ पे 7 और 14 से हमें देखना है तो ये दोगुना है, दैट मीन्स कि 3 का दोगुना यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, देखिए -6 भी है यहाँ पे, लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6। नेक्स्ट है हमारा सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, लेकिन इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, मल्टीप्लाई 0.022 बाई द नंबर सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 66, 3000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर हमारा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु है, ए फादर इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन आफ्टर 4 इयर्स, द सम ऑफ हिज एज विल बी 44 इयर्स, विच इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो गाइस ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए वो कैसे हो जाएगा, इसका इक्वेशन हम निकालेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद ही आप इसको बना सकते हैं इस टाइप के मैथ को। तो किस तरीके से, देखिए एक हो जाएगा क्या 5x, ठीक है, प्लस 4 ये हो गया, और प्लस में हो जाएगा x प्लस 4, यानी कि 4 वर्ष बाद वो बता रहा है कितनी हो जा रही है 44 ईयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5x पिता की उम्र और x हो जाएगा पुत्र का, क्योंकि 5 गुना बड़ा है पिता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5x और x 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 44, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो हमारा 6x इधर रह जाएगा और 44 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 36 को डिवाइड कर देंगे 6 से तो 6 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 6, यानी कि जो जो पुत्र होगा उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 6 साल हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और पिता की उम्र हो जाएगी 5x है, यानी कि 6 में 5 से गुणा कर देंगे तो 30 इयर्स, यानी 30 साल के पिता हैं और 6 साल के पुत्र हैं, ठीक है। 49 नंबर है, एक पेड़ की लंबाई 2√3 है एवं उसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो पेड़ के ऊपरी सिरे की छाया के साथ बना उन्नयन कोण है, द लेंथ ऑफ ए ट्री इज 20√3 एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेड इज 20 मीटर, सो इज द इलेवेशन एंगल मेड विद द शेड ऑफ द अपर एंड ऑफ द ट्री इज, और इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 का है 2:6 और 10 के बाद क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए 30 है, 15 है, 20 है और 1.2 है, तो 2 का 3 टाइम्स है, यानी कि 10 का भी 3 टाइम्स होगा, अगर 2 का 3 टाइम्स है 6 तो 10 का भी 3 टाइम्स होगा 30, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे आज हमारे 50 क्वेश्चंस, आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।